बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल लाइक टू डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं डी ब्लॉक के, तो इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं, रिएक्शन कैटलिस्ट एज अ, इसके अलावा इनका जो इंडस्ट्री में रोल है, इसके अलावा मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रोल है, इवन इसको नेचरली भी बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो नेचरली बहुत ज़्यादा, जैसे ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाया गया है, हीमोग्लोबिन का रोल होता है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, इसी तरह क्लोरोफिल है, इसमें मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट है पायरोल रिंग से, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल है। इसी तरह ये यहाँ पे एक जो है मेडिसिन की बॉटल ये दिखाई गई पिक्चर में, तो सिसप्लैटिन में प्लैटिनम के साथ दो क्लोराइड एंड दो इसमें अमोनिया होते हैं। तो सिसप्लैटिन जो इसका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस तरह बात करें तो काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू एक्सेप्ट वन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, एक तो इनका पार्शली फिल्ड डी सब शेल होता है, इसके अलावा इसी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, उसके अलावा इनकी रफ सरफेस एरिया होता है, जैसे रिएक्टेंट्स को जो है सरफेस प्रोवाइड होगी तो वो उसमें प्रोडक्ट में रैपिडली चेंज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जब अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हम रिएक्शन करवाते हैं। इसके अलावा जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये रिएक्टेंट के साथ मिलके इंटरमीडिएट बनाते हैं जो ऐसा पाथ अडॉप्ट करते हैं जो लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को प्रेफर कर रहा होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे तीनों ऑप्शन होंगे, तो इसका जो है यहाँ पे एक्सेप्ट वन पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से इनके लार्ज साइज होने की वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि लार्ज साइज़ होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान, एटम्स के दरमियान इंटरस्टेसेस, एटम के दरमियान जो है कुछ स्पेसेस, जैसे यहाँ पे है, इसी तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन इंटरस्टेसेस के दरमियान स्मॉल जो एटम्स हैं नॉन मेटल स्पेशली, जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इस तरह के एलिमेंट इंटरस्टिसेस में यहाँ पे आके फिट हो सकते हैं। तो ऐसे जो हैं इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल वो भी चेंज हो जाती हैं, यानी पहले की निस्बत ये हार्ड हो जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में यानी इस यहाँ पे एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसमें जो नॉन मेटल है, स्मॉल नॉन मेटल्स जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के हवाले से, तो यहाँ पे स्टील आयरन का और कार्बन का ये कंपाउंड्स हैं, इंटरस्टिशियल अलॉय भी बोलते हैं इनको। तो स्टील में 97% मोर देन 97% इसमें आयरन होता है, बाकी इसमें कार्बन होती है 0.25 से 2.5% तक। तो उसके बाद कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें भी 98% 97% तक 96% तक इसमें ही आयरन होता है, और इसके अलावा इसमें कार्बन होती है 2.5 से 4.5% तक। तो इस तरह हमारे पास ये जो है ये इंटरस्टिशियल अलॉय, यानी ये इसमें आयरन ट्रांजिशन मेटल है और कार्बन जो है ये नॉन मेटल स्मॉल एटॉमिक साइज़ होता है। तो ये सभी पिग आयरन कास्ट आयरन को ही कहते हैं, तो सभी में ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो नन पे करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो इसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है। उसके बाद मैट इज़ द मिक्सचर ऑफ, मैट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है जब कॉपर की मेटलर्जिकल प्रोसेस में कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, उसमें तीन स्टेप होते हैं, ये हम इंशाल्लाह मेटलर्जी वाला टॉपिक चैप्टर जो है वो डिटेल से करेंगे। तो मेटलर्जी में ओर की कंसंट्रेशन होती है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में फर्स्ट स्टेप होता है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग में यानी हाई टेम्परेचर पे हम ओर को हीट करते हैं, फिर उससे मज़ीद जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए सैंड के साथ फ्लक्स किया जाता है, जै आगे स्लैग में चेंज होता है, तो उस जो हमारे पास होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस उसमें बनती है मैट। तो मैट हमारे पास मिक्सचर होता है क्यूब Cu2S एंड FeS का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनल मेटल कंटेन, तो मोनल मेटल इसके अंदर होता है कॉपर, निकल, आयरन, मैंगनीज। कॉपर इसमें, कॉपर होता है मोनल मेटल में 30% ही होता है, इसके अलावा निकल इसमें मैक्सिमम होता है 67% है, और बाकी आयरन और मैंगनीज जो है ये ओवरऑल 3% है इनके परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर हम बात करें क्रोमियम निकल आयरन की तो ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन है, और अगर हम सी की बात करें यानी कॉपर, टिन और जिंक, तो ये हमारे पास है गन मेटल की कंपोजिशन, ये हमारे पास कंपोजिशन है गन मेटल की। गन मेटल मिक्सचर होता है कॉपर, टिन और जिंक का, इसमें कॉपर जो है वो 88% होती है, मैक्सिमम कॉपर होती है 88%, उसके अलावा फिर जिंक इसमें 2% और टिन जो है वो इसमें होती है ऑलमोस्ट 10% होती है। तो ऑप्शन ए होगा मोनल मेटल का। उसके बाद विच वन इज़ कलर्ड, यहाँ पे कॉपर प्लस वन में हम देखेंगे इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस वन में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसका कोई कलर नहीं होगा। उसके बाद Cu प्लस टू है तो D9 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन होगी, डी ट्रांजिशन होगी, तो इस लिहाज से ये कलर्ड होगा। वी प्लस फाइव में वनेडियम है, तो वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है, वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो इसके डी में 3 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो उसमें इसका फिर जो है डी में 0 और एस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इस लिहाज से इसमें भी डी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो यहाँ पे कलर्ड का पूछा गया है, तो कलर्ड जो इसमें है वो है क्यूप्रिक Cu+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल यूजली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हाईएस्ट फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड में। इसकी रीज़न ये होती है कि एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके अलावा इसका हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी इसकी जो जिनका हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एक तो इनका यानी कि हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके अलावा फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसके साथ स्मॉल साइज़ है, तो ये स्टेबलाइज कर सकता है, यानी उनको ऑक्सीडाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज फ्लोराइड कर सकता है। तो इसमें फ्लोराइड्स भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे इसमें हमारे पास ओस्मियम का ऑक्साइड है OSO4, ओस्मियम प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरह ऑक्साइड और फ्लोराइड ही मोस्टली ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये रीज़न है। बाकी ज़्यादा जो कॉमन है वो ऑक्साइड्स होते हैं हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका ये रीज़न है कि ऑक्सीजन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाती है, तो इस लिहाज से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीजन में, उसके बाद फ्लोरीन में है। तो फ्लोराइड होगा इसका
बॉन्डिंग इन फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ड्यू टू, वैसे तो ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फेरिक आयन, तो ये फजान रूल की हम अगर बात करें तो उस लिहाज से ये पोलराइज ज़्यादा करेगा क्लोराइड आयन को, तो इस लिहाज से ये कोवलेंट इन नेचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो फेरिक क्लोराइड को अगर हम एक्वस में डिज़ाल्व करें, वाटर में डिज़ाल्व करें, तो ये चेंज होगा एफ ई ओ एच टेकन थ्राइस में, एफ ई ओ एच टेकन थ्राइस में और एच सी एल में, तो यहाँ पे ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस लिहाज से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड इन करेक्ट डिजॉल्विंग, यानी ये मोहर साल्ट दिया हुआ है तो इसको जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे दो सल्फेट आयन है, इसी तरह सॉरी अमोनियम आयन है और एक सल्फेट आयन है, थ्री आयन यहाँ पे हो गए। इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास इसमें एफ ई एक प्लस टू होगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टू नहीं होना था ऑप्शन में, यहाँ पे फेरस है ना, तो यहाँ पे ये टू नहीं होगा, तो यहाँ पे दो आयन ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे टोटल यानी फाइव आयन जो है वो वाटर में डिजॉल्व होंगे, यानी यहाँ पे टू सल्फेट आयन, टू अमोनियम आयन और एक फेरस आयन, तो फाइव आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मेटल, तो अ मेटल डज़ नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अगर रिस्पेक्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसकी पिक्चर दिखाई गई है, तो कॉपर जो है इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकेगी, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकेगी, इसके अलावा जिंक भी रिप्लेस कर सकेगा और आयरन भी रिप्लेस कर सकेगा, तो इसका ऑप्शन होगा कॉपर। नेक्स्ट है यानी कॉपर और H2SO4 का रिएक्शन पूछा जाए कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो आप इसमें बताएंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, कॉपर डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। उसके बाद है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो जब भी कोई न्यूट्रल मीडियम होगा तो इसमें KMnO4 डिफरेंट मीडियम में इसका डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट होता है, यानी एसिडिक मीडियम में जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसका जो मोलर वेट होता है KMnO4 का जो मोलर वेट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो उसमें जैसे KMnO4 है तो H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो वो MnSO4 में चेंज होगा, यानी मैंगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को 5 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 रिड्यूस होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड में, जैसे न्यूट्रल मीडियम आप देख लें KMnO4 का रिएक्शन हम करवाते हैं इथीन के साथ, तो उसमें ये होता है कि MnO2 बनता है और न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसे दूसरे ग्लाइकोल है, तो वहाँ पे MnO2 है और वहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यानी +7 से +4 में चेंज हुआ, यानी +7 से मैंगनीज न्यूट्रल मीडियम में +7 से चेंज होता है +4 में, तो यहाँ पर जो इसका होगा 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, तो हम लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा गया यानी मॉलिक्यूलर वेट को हम कितने पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज कलर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच कंपाउंड इज कलर्ड, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसमें कॉपर का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी यहाँ पे नॉट कलर्ड का पूछा है, कॉपर +2 है यानी कॉपर +2 यहाँ पे +2 है,
अगर हम बी की बात करें तो इसमें कैडमियम यहाँ पे प्लस टू है, और कैडमियम का अगर प्लस टू में होगा ना, कैडमियम अगर प्लस टू में होगा तो इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जिंक ग्रुप से बिलोंग करती है कैडमियम, तो इस लिहाज से इसमें ये कलर नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन पोटाशियम मैंगनेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज K2MnO4, ये पोटाशियम मैंगनेट है, तो इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, तो यहाँ पे इसका आंसर हम करेंगे +6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आयन इज़ मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वनेडियम की, तो वनेडियम के यहाँ पे डी में, क्योंकि इसका वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो अगर +3 शो करेगा तो इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि वनेडियम टू +3 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे और 1 डी से जाएगा, तो डी में पीछे वनेडियम के केस में 2 रह गए। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो टाइटेनियम +3 में जब शो करेगा तो इसका डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मैंगनीज +3 जब शो करेगा तो इसके डी में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 2 एस में से जाएंगे 1 डी में से, तो डी में इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4। और यहाँ पे अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इसके डी में 3 है। अब यहाँ पे D3 जो है ये मोस्ट स्टेबल इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जब ये इसके साथ लिगेंड्स भी अरेंज होंगे, यानी आयनाइनिक फॉर्म है तो अंडरस्टूड है कि लिगेंड्स भी होंगे, तो यहाँ पे CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग होगी और उसमें जो कुछ आर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, जैसे T2G लोअर एनर्जी, यानी ट्रिपली डी जनरेट आर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, और डबली डी जनरेट आर्बिटल जो हैं ये हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। तो लोएस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 यानी अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल सेम स्पिन के साथ सेपरेट आर्बिटल में, तो इससे फिर ये हाफ फील्ड हो जाएगा डी सबशन, यानी मैं बात कर रहा हूँ T2G हाफ फील्ड हो जाएगा, ट्रिपली डी जनरेट आर्बिटल 3 आर्बिटल DXY DYZ and DZX, तो ये इसमें स्टेबल होगा क्रोमियम, इसका आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ पे फर्स्ट में तो आयरन +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी में देख लेते हैं। निकल कार्बोनाइल में तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो डी में 8, और वैसे भी निकल डी में 8 होंगे लेकिन उसमें अनपेयर्ड, लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइल स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयर अप कर देगा, इसी तरह नीचे भी पेयर अप हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर वाले में यहाँ पे D8 और S वाले भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यानी D10 हो जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे D8 होंगे और S वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो S में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन फर्स्ट में अगर हम बात करें तो आयरन +2 है, लेकिन डी में 6, तो यहाँ पे भी पेयरिंग ही हो जाएगी, तो सभी में पेयरिंग हो जाएगी, तो इनमें से कोई भी पैरा मैग्नेटिक नहीं है, इनमें से कोई भी पैरा मैग्नेटिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपाउंड लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एलुमिनेट विच इज़ सिंपल है, ये लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड है, तो इसका कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे H हाइड्राइड आयन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन जो है ये एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हाइड्राइड नहीं है, तो इसका डी होगा आंसर। उसके बाद है EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, तो यहाँ पे हम इसका निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे निकाला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी EAN जो है इसमें हम ये करते हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
और इसमें प्लस कर देते हैं सी एन टू सी एन, सी एन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब अगर इस कंपाउंड की बात करें तो आयरन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी साइनाइड माइनस सिक्स है तो आयरन प्लस थ्री होगा, तो ओवरऑल माइनस थ्री प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आयरन है प्लस थ्री में, तो आयरन प्लस थ्री में, आयरन प्लस थ्री में तो यहाँ पे एक तो एटॉमिक नंबर 26 है और ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है तो यहाँ पे माइनस करना होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें सिक्स साइनाइड हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा सिक्स, तो सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ से 26 से थ्री जाएँ तो 23 प्लस 12, तो ये इसका आंसर आएगा 35, इसका आंसर आएगा 35, तो यहाँ पे 35 इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, यहाँ पे याद रखें ये C2O4, ये हमारे पास होता है डीएमजी तो होता है डाइमिथाइल ऑक्सालेट, ये सिंपल ऑक्सालेट है, तो ऑक्सालेट इज अ बाइट, सॉरी यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे ये एक बाउंड नहीं होना, यहाँ पे डबल कर लेते हैं। ये डीएमजी क्या है, ये हमारे पास है बाइडेंटेट लिगेंड। तो हम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि लिगेंड्स कितने अटैच हैं, हम ये देखते हैं कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तीन अटैच हैं, तो एक जो ऑक्सालेट आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो थ्री जो हैं वो सिक्स डोनेट करेंगे, तो इसका आंसर होगा सिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बांड कितने हैं। तो एक तो क्लोराइड आयनिक बांड से हैं, वैसे भी ये प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच है, वर्नर ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसका जस्टिफिकेशन यानी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वर्नर ने प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को। तो ये कोऑर्डिनेशन सफेयर के बाहर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच हैं या वो आयोनाइजेबल होते हैं, मीन के उनका तो आयनिक बांड होगा। उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन सफेयर की बात करें तो इसमें अमोनिया जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड, लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कोवलेंट बांड, तो अमोनिया में जो है कोवलेंट बांड की ही सिर्फ हम बात करेंगे। तो एक अमोनिया में क्योंकि तीन कोवलेंट बांड होते हैं तो यहाँ पे सिक्स अमोनिया है, तो यहाँ पे कोवलेंट बांड जो है उनकी तादाद 18 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में निकल टेट, हम हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इस निकल में डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं चलो इसका स्केच ड्रा कर लेता हूँ, निकल के डी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बोनाइल स्ट्रांग फील्ड होने की वजह से इनको पेयर अप कर देगा, इनको क्या कर देगा 8 इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप कर देगा और एस वाले भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो ये और उसके बाद एस तो वेकेंट हो गया और पी के आगे, तो यहाँ पे एस पी थ्री, एस और थ्री पी हैं, तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे ये याद रखना निकल जो है ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड कार्बोनाइल अटैच टू निकल, तो यहाँ पे कोई ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इस लिहाज से मैंने इसको लिखा कि ये इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे, कार्बोनाइल स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो पेयर अप कर देगा, तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तो टेट्राहेड्रल ही होगा। अगर हम साइनाइड की बात करें तो ये यहाँ पे निकल प्लस टू में है, निकल प्लस टू में है तो फिर निकल का जो डी होगा क्योंकि एस से टू इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगी क्योंकि बिकॉज साइनाइड इज़ अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है
ये यानी निकल प्लस टू में डी में तो एट होंगे, एस से रिमूव हो जाएंगे तो साइनाइड पेयर अप कर देगा, तो ये एक डी, ये एस और यहाँ से दो पी, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में ही जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर लास्ट वाले की बात करें तो उसमें पेयरिंग नहीं होगी, अगर हम लास्ट वाले की बात करें, चलो मैं इसका ड्रा कर देता हूँ, निकल जो क्लोराइड है ये हमारे पास है NiCl4-2। तो यहाँ पे निकल जो है उसका D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, S वाले चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम बात करें तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7, ये 8 हो गए, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी नहीं। तो ये आगे फिर यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ये sp3, तो sp3 में तो टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर का पूछा गया, तो स्क्वायर प्लेनर जो है वो भी ऑप्शन ही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्रोमियम में तो ये है कि ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर देगा जो डी में, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डी में सिक्स होते हैं, फाइव होते हैं एस वाले, वो भी बहरहाल पेयर हो जाएंगे, थ्री पेयर हो जाएंगे। आयरन पेंटाकार्बोनाइल में भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, इसमें भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर हम बात करें Fe+2 में, तो Fe+2 यानी जो नीचे है ना फेरोसाइनाइड का कम्प्लेक्स है, तो इसमें Fe+2 में क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो Fe+2 में दो इलेक्ट्रॉन तो S से चले जाएंगे, Fe+2 उसकी वजह से हो गया। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि आयरन के डी में 6 होते हैं, तो अब 6 वो पेयर अप हो जाएंगे, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, कहीं पे भी अनपेयर नहीं आ रहा, तो ये सभी ही डायमैग्नेटिक हैं, इनमें से कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिक्रीज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे जितने आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना डिक्रीज़ करेगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें 4 पोटाशियम है और एक इसमें कोऑर्डिनेशन सफेयर वाला होगा, तो यहाँ पे 5 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 3 क्लोराइड एक सफेयर वाला, तो यहाँ पे 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और लास्ट में तो आयनाइजेशन होगी नहीं। तो फर्स्ट में आयन ज़्यादा है तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो सिंपल है, क्रोमियम जो है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम का अगर हम इसका ड्रा करें जो इसका VBT है, तो हमारे पास डी में, क्योंकि क्रोमियम के डी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड और एस में एक होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड कार्बोनाइल की वजह से वो 5 डी वाले और एक एस में से वो भी पेयर अप हो जाएगा, तो इसमें तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। आगे कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसको हम कैलकुलेट करते हैं N(n+2) का स्क्वायर रूट Bm बोहर मैग्नेटॉन, बहरहाल क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि विच विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सिंपल है कि सिल्वर नाइट्रेट में एक्चुअल में सिल्वर होता है, और जहाँ पे क्लोराइड आयन उसको मिलेंगे तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो यहाँ पे ही क्लोराइड आयोनाइजेबल हैं, प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच हैं, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, बी ऑप्शन होगा। विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे तो निकल प्लस टू में है, पेयरिंग होगी, यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है, यहाँ पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की क्योंकि निकल प्लस टू में है, एस से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी में निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो डी में 8 हैं बहरहाल, वो भी पेयर अप हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन 4 उसमें आ जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो अगर फर्स्ट में बात करें कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 है, +3 शो कर रहा है, दो एस से जाएंगे एक, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
अमोनिया जो है ये इसको पेयर अप कर देगा। तो बहरहाल यहाँ पे कोई भी पैरा मैग्नेटिक नहीं है। आयरन कैन बी बेस्ट प्रोटेक्टेड, आयरन जो है ये जिंक से बेस्ट प्रोटेक्ट होता है, उसकी वजह के टिन भी यूज़ करते हैं, क्रोमियम भी यूज़ करते हैं, लेकिन जिंक का कारण ये है कि जिंक अगर हम टिन को आयरन के ऊपर जो है कोट करेंगे, उसकी प्लेटिंग करेंगे, टिन खैर उसका जो प्रोटेक्ट जो उसकी लेयर होती है वो मजबूत तो होती है, लेकिन अगर किसी वजह से टिन डैमेज हो जाए तो फौरी गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो जाएगा, वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा और गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, टिन की कुछ भी नहीं होगा, उसी तरह ही रहेगा, तो इससे आयरन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो अगर जिंक किसी वजह से डैमेज हो जाता है आयरन की सरफेस से, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन कुछ भी नहीं होगा, तो इस वजह से जिंक जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है आयरन के खातिर। तो जिंक कोटिंग जो इसको गैल्वनाइजिंग भी कहते हैं, तो ये बेटर कोटिंग होती है फॉर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADTA यूनिट्स रिक्वायर टू मेक ऑक्टाहीड्रल कम्प्लेक्स। तो एक ही यूनिट रिक्वायर होता है, ये ज़रा देखें यहाँ पे ये ADTA का स्ट्रक्चर है, तो एक ही यहाँ पे ADTA जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसको हम इथाइलिन डाई अमीन टेट्राएसीटेट कहते हैं। उसके बाद है विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 29, विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ये देखना होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट में तो D+2 में है रिड्यूस मीन वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो D+3 में जाएगा, तो ये D+3 में जाएगा, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अगर हम बात करें क्रोमियम की तो ये D+3 में है, तो D+4 में जाएगा, और अगर हम मैंगनीज़ की बात करें तो ये मैंगनीज़ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज़+3 में डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये रिड्यूस एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिलीज़ कर देगा ना। सॉरी फर्स्ट क्रोमियम था ना, तो क्रोमियम में +2 शो कर रहा है, तो डी में 4 होंगे, तो एक रिलीज़ करेगा, तो डी में 3, ये ठीक है। उसके बाद क्रोमियम 3 जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो इसके डी में जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी +3 है, तो डी में इसमें होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस लिहाज से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका बन रहा है, वो फर्स्ट वन का बन रहा है। तो जो यहाँ पे क्रोमियम+2 होगा ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे D3 बन रहा है, तो ये वही चीज़ जो TTG वाली बताई है, ट्रिपली डिजनेट हाफ फील्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे Cu+2 इज़ मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे ये एक्सेप्शन देख लें इसको, क्योंकि Cu+2 वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से Cu+1 स्टेबल है, लेकिन ये इसलिए स्टेबल है इन एक्वस मीडियम क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इस लिहाज से ये स्टेबल है। उसके बाद है विच वन हैज़ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन पेंटाकार्बोनाइल में तो आयरन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड्स अटैच्ड टू आयरन। अब KMnO4 में +7 है, ओस्मियम ऑक्साइड में +8 है, और CrO5 में +6 है। तो ये थोड़ा इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, CrO, तो इसमें इसका थोड़ा इस तरह आपने इसको देखना है कि यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन है, तो ये थोड़ा इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने देखना ऑक्सीडेशन नंबर। बहरहाल क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ मिक्सड ऑक्साइड। तो मिक्सड ऑक्साइड इनमें से कौन सा है, फर्स्ट वन इज़ अ मिक्स ऑक्साइड, क्योंकि ये आयरन FeO और क्रोमिक एनहाइड्राइड, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड,
क्रोमिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बनता है। तो ये इसमें है मिक्स ऑक्साइड है, सेकंड वन भी मिक्स ऑक्साइड है, ये FeO और Fe2O3 का है, Fe2O3 का। और लास्ट वन जो है Mn3O4, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। याद रखें ये मिक्स ऑक्साइड है, इसमें दो मैंगनीज ऑक्साइड और एक मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो सभी मिक्स ऑक्साइड हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मिक्स ऑक्साइड ना हो। तो इसका डी ऑप्शन होगा। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, तो जितना मेटल का साइज ज़्यादा होगा उतना बेसिक ऑक्साइड उसका ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें पीरियड में, सेम पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D ट्रांजिशन से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होना था टाइटेनियम के बाद वेनेडियम होना था, फिर क्रोमियम और उसके बाद आयरन। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका यानी करेक्ट कोई आर्डर भी नहीं है बेसिक नेचर का। अमाउंट ऑफ आयरन पर एनम जो है वो 1/4 आयरन जो है वो करोड़ हो रहा है, तो इसमें 25% होगा। विच हैज़ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम रिलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी से, तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी, और बाइंडिंग एनर्जी को हम रिलेट करेंगे उससे जो इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल है, क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है द नेम ऑफ टेक्नीशियम, तो टेक्नीशियम का नेम पर्सन से भी नहीं, सिटी से भी नहीं, बल्कि टेक्नीशियम जो है ये ग्रीक वर्ड है टेक्नीशियम, वर्ड क्या है टेक्निटोस, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। 1937 में फर्स्ट आर्टिफिशियल कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया गया था टेक्नीशियम 1937 में, तो वहाँ से इसका टेक्नोटॉस जो है ग्रीक में इसको आर्टिफिशियल को कहते हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया, तो नन होगा। विच वन इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जिंक जो है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की ये डेफिनेशन है जिनके पास पार्शली फिल्ड डी आर्बिटल हो, तो यहाँ पे जिंक में क्योंकि पार्शली फिल्ड डी आर्बिटल डी सबशेल नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा ट्रू सेंस में। स्कैंडियम में तो डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा इसमें अगर हम इसको डीपली देखें तो स्कैंडियम ट्रांजिशन है, जिंक ट्रांजिशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे क्रोमियम है, पीछे भी इसका तज़करा किया है कि इसका जो T2G है वो स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड होता है, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि वेन FeCl2 ऐड, तो ये रिएक्शन जो है डाइक्रोमेट और क्रोमेटाइन के दरमियान इक्विलिब्रियम है, तो सॉरी यहाँ पे जो लास्ट पे H पॉजिटिव होना था ये थोड़ा स्टेटमेंट में, तो अगर FeCl2 डालें तो FeCl2 एक एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा, उसकी वजह इस समय फेरस हाइड्रोक्साइड और HCl बनेगा, तो HCl जो स्ट्रांग एसिड होने की वजह से एच आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, तो इस लिहाज से फिर इसका जो एसिडिक करेक्टर है बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ फॉलोइंग डायमैग्नेटिक, यहाँ पे सॉरी होना था कि विच वन इज़ नॉट डायमैग्नेटिक, तो डाइक्रोमेटाइन में क्रोमियम प्लस 6 में है, तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, डायमैग्नेटिक है। उसके बाद क्रोमेटाइन में भी क्रोमियम प्लस सिक्स में है, तो इसमें भी पर मैग्नेट में मैंगनीज +7 में है, तो इनमें किसी के पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सभी डायमैग्नेटिक हैं, तो आल होना था, आल ऑफ दीज आर डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चैप्टर होगा नेक्स्ट अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो कुछ जो है वक्त के लिए
उसके बाद फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।